बीते रोज घोषित हुए यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम में प्रदेश में पहला और सातवां स्थान पाकर बुंदेलखंड के महोबा जनपद का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्रों को एसपी ने शॉल पहनाकर सम्मानित किया एवं छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। बुंदेलखंड के महोबा जिले के चरखारी कस्बे में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र शुभ चपरा ने सर्वाधिक 97.80% अंक प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाकर जिले का मान बढ़ाया है। सब महोबा एसपी द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है अपने जिले का नाम रोशन करके और परिवार का नाम रोशन करके। क्या क्या सोचा है आगे के लिए आपने? आगे मैं सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। शुभ चपरा ने 500 में से 489 अंक प्राप्त किए हैं, तो वहीं विद्या मंदिर के ही एक अन्य छात्र पुष्पराज सिंह यादव ने प्रदेश में सातवां स्थान पाकर जनपद वासियों को गौरवान्वित किया। महोबा एसपी द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथी छात्रों को? ये मेहनत करें और स्टडी करें। एसपी महोबा अपर्णा गुप्ता ने मेधावी छात्रों को परिजनों सहित पुलिस कार्यालय में पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर सम्मानित कर हौसला बढ़ाया है, तो वहीं जनपद का सम्मान बढ़ाने वाले दोनों छात्र शुभ चपरा और पुष्पराज सिंह सिविल सेवा में जाकर सेवा करना चाहते हैं। महोबा से जन संदेश टाइम्स ब्यूरो चीफ रामेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, हमारे महोबा शहर के लिए, महोबा जिले के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि यहाँ के दो बच्चे यूपी बोर्ड्स में प्रथम व सातवां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। इसके मद्देनज़र मैंने उनसे मुलाकात की और उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, गाइडेंस भी दी और उनको बताया भी कि वे किस तरह से मेहनत करते करते अपने फ्यूचर में आगे बढ़कर अपने ज़िले का और अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। और अगेन मैं उनको और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अन्य छात्रों के लिए ये बहुत अच्छी नज़ीर है, एक छोटे से शहर से, छोटे से ज़िले से कैसे आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, निरंतर पथ आपका जो है, आपने कर्तव्य पथ पे पढ़ते हुए कैसे नाम रोशन कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनको मैं आज एक पाठशाला में भी गई थी पुलिस की, वहाँ भी मैंने यही प्रेरित किया है कि कभी ये ना सोचें कि हम किसी छोटी जगह से हैं या किसी बहुत ही सरल परिप्रेक्ष्य से हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। और यही मैं दोबारा संदेश सबको देना चाहूँगी कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे।